हेलो बच्चा पार्टी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मैन के ऊपर। और ये वीडियो मैं स्पेशली उन सारे के सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो पिछले 2-4 दिन से मुझे कॉल्स कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन बच्चों को हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है, वेबसाइट के ऊपर पढ़ाई करनी है, पर वेबसाइट को यूज कैसे करना है, वेबसाइट के ऊपर कोर्स किस तरीके से परचेज करना है, ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेके आखिरी तक देखना और फिर उसके बाद में पूरा मन लगा के आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर पढ़ाई करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वेबसाइट चलाने के लिए मोबाइल के अंदर भी चला सकते हो और अपने कंप्यूटर के अंदर भी चला सकते हो, ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। ब्राउजर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में गूगल क्रोम होगा, है ना। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ये सब कहलाते हैं ब्राउजर। ब्राउजर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप इंटरनेट चलाते हो। तो वेबसाइट इंटरनेट का पार्ट है, इसलिए आपको इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो सभी लोगों के मोबाइल में गूगल क्रोम होगा, या जो बच्चे कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जानते ही होंगे ब्राउजर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये ऊपर जो मैंने लिख रखा है physicsman.in, ये आपको टाइप करना है। देखो ऐसे www.physicsman.in इस तरीके से आपको टाइप करना है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब होम पेज बहुत सिंपल है ना, मैंने खुद ने बनाई है तो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया मैंने। आप जब इसको नीचे जाओगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे ये मोस्ट वांटेड फिजिक्स का कोर्स हो गया, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना, क्रैश कोर्स। ये मिरेकल सीरीज हो गई जो कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है, और ये हमारा फुल कोर्स हो गया जो लेंदी कोर्स चल रहा है ना, जो शुरुआत से चल रहा है, ये वो वाला कोर्स हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपको मिरेकल सीरीज हिंदी माध्यम वाला जो कोर्स है उसके अंदर एनरोल करना है, तो आप या तो इस कोर्स पे क्लिक कर सकते हो या फिर यहां पर ऐड टू बास्केट कर सकते हो। जैसे अपन नहीं खरीदारी करने जाते तो अपने पास में एक बास्केट होता है, एक थैला होता है, हम जो भी चीज खरीदनी है पहले उसको उस थैले के अंदर रखते जाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर भी। तो मान लो जैसे आपको ये वाला कोर्स खरीदना है तो आपने इसको ऐड टू बास्केट कर लिया। अब जैसे आप ऐड टू बास्केट करोगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड भी हो या फिर नहीं हो। तो हो सकता है आप वेबसाइट पहली बार चला रहे हो तो आप रजिस्टर्ड ही ना हो। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको अपना यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है। और अगर आप नहीं हो तो आप नया रजिस्टर कर सकते हो यहां पर। तो जैसे मैं देखो यहां पर जाऊंगा रजिस्टर नाउ के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर मैं अपना नाम डाल सकता हूं। तो जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे का नाम है मुकेश, ठीक है, तो मैंने मुकेश, ठीक है, शर्मा, ऐसे मैंने मेरा नाम डाल दिया, ठीक है। फिर जो यूजर नेम मैं रखना चाहता हूँ, मतलब जिस नाम से मैं वेबसाइट चलाना चाहता हूँ, तो ठीक है भाई मैं मुकेश के नाम से ही अपनी वेबसाइट चलाना चाहता हूँ। अब जो भी आपका ईमेल है, जैसे mukesh.sharma, ठीक है, 2002@gmail.com, है ना, ऐसे आपका जो भी ईमेल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो, जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो, अभी के लिए अपन ठीक है यहां पर एक पासवर्ड रख लेते हैं, वो पासवर्ड मैंने रख लिया, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये पासवर्ड मैंने रख लिया और सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहां पर रजिस्टर कर सकता हूँ। तो जैसे आप रजिस्टर करोगे ना, अपने आप लॉगिन भी हो जाओगे आप, ये आप लॉगिन हो चुके हो, ठीक है। और अब वापस से आपको क्या करना है, वापस से आपको जाना है और जिस कोर्स को आपको परचेज करना था उस कोर्स को अब आपको ऐड टू बास्केट करना है। अगर आप पहले से लॉगिन होगे ना तो ये डायरेक्ट हो जाएगी, नहीं हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन अपने आप करवा लेगा ये, ठीक है ना, वेबसाइट पे। चलो भाई ठीक है, अब हम ऐड टू बास्केट करने के बाद में जा सकते हैं व्यू बास्केट पर कि भाई हमने क्या खरीदा है। तो ये देखो ये कोर्स हमने हमारे बास्केट के अंदर डाल रखा था। तो अब हम जाएंगे यहां पर प्रोसीड टू चेकआउट, कूपन कोड वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर सभी बच्चों को उपलब्ध करवा रखा है। कूपन कोड तो जब काम आते हैं
जब इसकी प्राइस ज्यादा हो और फिर मैं बोलूँ कि नहीं बच्चों ये कूपन कोड लगाओ उसके बाद में इतने का हो जाएगा, ऐसा कोई टंटा अपन यहाँ पर नहीं पाल रहे। सिंपली सबके लिए फीस है 500 रुपीज़, तो कोई कूपन कोड वगैरह अप्लाई नहीं करना आपको, डायरेक्ट जाना है प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, अब जब प्रोसीड टू चेकआउट पर जाओगी तो वापस से आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी, जो भी आपकी डिटेल है। अच्छा, ये डिटेल क्यों काम आएगी? ये मेरे लिए काम आएगी जब मैं वेरिफिकेशन करूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम जैसे आपने डाल दिया, ठीक है, आपने लास्ट नेम डाल दिया आपने, ठीक है, और ये सब डालने की जरूरत नहीं है। इंडिया आपकी कंट्री हो गई, जो भी है, जैसे मान लो राजस्थान से है ये बच्चा, तो राजस्थान डाल दिया, टाउन हो गया जयपुर, है ना, और जो भी आपका पिन कोड है वो आपने डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया 30 20 29, और फोन नंबर ये जरूर डालना है ना, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने 9 8 7 5 6, ये ऐसे करके मैंने मेरा फोन नंबर डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें डालने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, मुझे पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पे विथ यूपीआई ये वाला ऑप्शन चूज करना है, पे विथ यूपीआई वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन आपको चूज नहीं करना। अब पे विथ यूपीआई में बच्चे पूछते हैं कि सर हम रजिस्टर तो किसी और नाम से कर रहे हैं, बट हम पे किसी और के नाम से करना चाहेंगे, पापा के मम्मी के मोबाइल से। बिल्कुल कर सकते हो, किसी के भी मोबाइल से कर सकते हो ना, जो भी फोन पे चलाता है, जो भी गूगल पे चलाता है, ठीक है। तो पे विथ यूपीआई आपको चूज करना है और फिर आपको करना है कंप्लीट पेमेंट, ठीक है। तो जैसे ही आप ये ऑप्शन करोगे ना, तो यहां पर एक स्कैनर आ जाएगा। अब इस स्कैनर को आपको जिस भी मोबाइल से आप पे करना चाहते थे उससे स्कैन कर लेना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैं तो जिस मोबाइल के ऊपर चला रहा हूं, ठीक है, उसी में फोन पे चलाता हूं, उसी से स्कैन करना चाहता हूं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में स्कैन कर लो, या फिर इसको स्कैन कर लो और स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, आपके फोन पे पर जो भी पेमेंट का प्रोसीजर है, फोन पे तो सबको चलाना आता ही है, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, जो भी आप चलाते हो, ठीक है ना। तो वो सब कुछ पेमेंट पूरा होने के बाद में यहां पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। फिर जब आप फोन पे के ऊपर पेमेंट करते हो ना, तो वहां पर एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, उसको आप ट्रांजेक्शन आईडी कह लो, यूटीआर कह लो, रेफरेंस आईडी कह लो, वो जनरेट होता है आप फोन पे आप देखोगे, तो वो आपको यहां पर टाइप कर देना है। भाई आपने फोन पे किया होगा ना पेमेंट मुझे, ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि हाँ यार पेमेंट आपकी तरफ से ही आए, है ना, ये इसलिए मैंने यहां पर बनाया है। तो वो जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो आप यहाँ पर टाइप कर देना, जो भी कुछ है, ठीक है, कुछ अजीब सा 10 12 कैरेक्टर्स का वो ट्रांजेक्शन आईडी होगा, वो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। ये कब मिलेगा आपको, जब आप पूरा फोन पे के ऊपर मुझे पेमेंट कर चुके होंगे, ठीक है, और फिर आपको कंफर्म कर देना, ठीक है। उसके बाद में ये मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर योर पेमेंट, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, प्लीज चेक योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट टू व्यू ट्रांजेक्शन डिटेल। अपने बैंक वगैरह में देख लेना कि यहाँ पे पैसे वैसे कट गए। यू विल बी एनरोल्ड इन टू द कोर्स विद इन 24 आवर्स, है ना। आपने जो पेमेंट किया है उसके अगले 24 घंटे, तो मैंने यहाँ पर ज्यादा लिखा हुआ है, या तो तुरंत हो जाएगा या फिर अगले 12 घंटे के अंदर, मतलब जैसे मान लो आप रात को 11 बजे कर रहे हो, तो रात को तो मैं नहीं चला था ना मेरा सिस्टम, ठीक है ना। तो लगभग 12 घंटे का समय आप मान के चलो, आप उस कोर्स के अंदर एनरोल हो जाओगे और फिर आप मस्ती से उस कोर्स के अंदर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको, ठीक है, कोर्स के अंदर एनरोल करना है और कोर्स के अंदर आपको पढ़ाई करनी है। अब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना, ठीक है, और कमेंट्स के अंदर बताने के बाद में अगर मुझे लगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं उनको एड्रेस करता हुआ, या फिर जो भी है आपको वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसका एक और वीडियो मैं यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज इट, छोटा सा वीडियो था बट आई होप काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल्स कर रहे हैं तो बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। माफी चाहूंगा मैं, बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर आपने ऐप क्यों नहीं बनवा रखी। बेटा ऐप बनवाने के लिए और इन सब के लिए मुझे आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता,
फिलहाल के लिए मैं आर्थिक रूप से बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज के अंदर चल रहा हूँ, एंड मेरे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किस्मत हुई हमारी अच्छी, अगर आप लोगों का साथ रहा, तो धीरे धीरे संसाधन भी आ जाएंगे, ठीक है? तो उसकी अपन चिंता नहीं करते अभी, अभी अपना ध्यान है पढ़ने के ऊपर और पढ़ाने के ऊपर, ठीक है? मिलते हैं अपन हमारे पढ़ाई वाले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।